गुड मॉर्निंग एवरीवन वेलकम टू बी टू ई परीक्षा मंत्रा दिस इज रचना जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने 20 एम सी को किया था तो उसी के आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे सो हेयर द फर्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड स्पीशज वॉज कॉइंड बाय जो स्पीशज वर्ड है ये किसने दिया था ऑप्शंस आर फर्स्ट इज जॉन रे सेकेंड मेयर थर्ड जे हग्जले एंड फोर्थ इज सी लीनियस हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज जॉन रे ऑप्शन ए जॉन रे इज करेक्ट जॉन रे क्वाइंट द वर्ल्ड स्पेशियप्शंस को अगर हम देखें तो मेयर uh, ने न्यूक्लियर शेल मॉडल दिया था मेयर इज फेमस फॉर न्यूक्लियर शेल मॉडल जे हग्सले इज नोन फॉर यूजेनिक्स ठीक है एंड सी लीनियस इज़ नोन फॉर बायनोमियल नूमन क्लेचर ठीक है सी लीनियस जो है इन्होंने बायनोमियन नूमन क्लेचर दिया था बायनोमियल नूमन क्लेचर ठीक है और सी लीनियस को हम फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी भी कहते हैं ठीक है ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि फ़ादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है सी लीनियस को कहा जाता है ठीक है तो आप बाकी ऑप्शंस भी देखें और उनको भी मतलब माइंड में रखें ठीक है बट फॉर द स्पीशिय वर्ड ऑप्शन ए जॉन रे करेक्ट सेकेंड क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लब मॉस ऑप्शंस आर फर्स्ट स्लेजीनिला सेकेंड इक्विसीटम थर्ड लाइकोपोडियम एंड फोर्थ इज नन ऑफ दीज तो वैसे देखें हम स्लैजीनेला इक्विसीटम और लाइकोपोडियम है, हैं तो तीनों ही टेरिडोफाइट्स ठीक है टेरिडोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जिसके अंदर वस्कुलर बंडल्स होता है जाइलम एंड फ्लोएम जिस प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं ठीक है हैं तो ये प्रीमेटिव प्लांट्स लेकिन इसमें वस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं इन प्लांट्स में ठीक है तो आ, हम इन तीनों ऑप्शंस को अगर देखें सो तो क्लब मॉस कहते हैं हम लाइकोपोडियम को ठीक है सो हेयर द आंसर इज सी लाइकोपोडियम और बाकी ऑप्शंस को अगर हम देखें तो स्लेजी नेला को हम स्पाइक मॉस कहते हैं स्पाइक मॉस ठीक है ये भी आप ध्यान रखना साथ में और इक्विसीटम इक्विसीटम को हॉट स्टील फैमिली में आता है इक्विसीटम हॉट स्टील फैमिली में आता है और इसे हम स्नेक ग्रास या पजल ग्रास भी कहते हैं ठीक है स्नेक ग्रास और पजल ग्रास भी कहते हैं तो ये भी आप ध्यान रखना बट यहां पर क्वेश्चन में पूछा था कि क्लब मॉस किसे कहा जाता है तो क्लब मॉस कहते हैं हम लाइकोपोडियम को नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेफे इन मार्सिलिया इज प्रेजेंट इन ठीक है तो रेफे जो मार्सिलिया में कहा प्रेजेंट होता है तो मैं बता दूं कि जो पिडंकल है ठीक है जो स्टॉक है स्टेम का स्टेम की जो स्टॉक है ठीक है इस तरह से स्पोरो स्पोरो स्पोरोप से स्पोरोप uh, से अटैच रहती है ठीक है इस तरह क्या होता है ये नीचे स्टॉक है ठीक है ठीक है और ये क्या है यहाँ पर पिडंकल ठीक है तो पिडंकल इज द प्लेस ऑफ अटैचमेंट ठीक है सॉरी रेफे इज द प्लेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ पिडंकल विद द बॉडी ऑफ द स्पोरो काप ठीक है रेफे क्या है प्लेस ऑफ अटैचमेंट है पिडंकल का किस से से ठीक है उसे हम क्या कहते हैं रेफे कहते हैं सो ऑप्शन क्या है फर्स्ट इज फीमेल गेमिटोफाइट सेकेंड स्पोरोप तो मैंने आपको बता ही दिया है कि uh, रेफे क्या होता है इज द प्लेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ पिडंकल विद द बॉडी ऑफ द स्पोरोप इज रेफे सो ऑप्शन बी इज करेक्ट और स्पोरोफाइट नहीं होगा ना ही मेल गेमिटोफाइट होगा ठीक है द स्टील टाइप अक्रिंग इन मार्सिलिया इज ठीक है स्टील क्या होता है सबसे पहले तो आपको ये पता पता होना चाहिए कि स्टील क्या है स्टील होता है इज द सेंट्रल ठीक है सेंट्रल पार्ट स्टील इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ स्टेम और रूट स्टेम और रूट का सेंट्रल पार्ट होता है ठीक है कंटेनिंग या कंसिस्टिंग ऑफ वस्कुलर बंडल्स ठीक है जाइलम और फ्लोएम ठीक है तो ऑप्शंस यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शंस आर सोलिनो स्टील प्रोटोस्टील एम्फी फ्लॉइक साइफोनो स्टील या ऑल ऑफ दीज सो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज सी एम्फी फ्लॉइक साइफोनो स्टील ठीक है मार्सिलिया में एम फ्लॉइक साइफोनो स्टील होता है अब ये स्टील होता कैसा है ठीक है ये स्टील ऐसा होता है कि यहाँ पर अगर मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाऊँ तो ये क्या है बाहर की जो लेयर है इसे हम कहते हैं एपिडर्मिस और यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर क्योंकि एम्फी साइफनोस्टील साइफनो स्टील में बीच में क्या होती है पित हो, बीच में क्या होता है साइफनो स्टील के बीच में ये एम्फी साइफनोस्टील स्टील का अगर मैं आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ तो क्या होगा यहाँ पर बाहर ये क्या है बाहर की जो ये लेयर है इसे हम कहते हैं एपिडर्मिस ठीक है अंदर क्या है यहाँ पर पिथ होती है ठीक है और पिथ के बाहर क्या होता है यहाँ पर जाइलम uh, टीशू होता है ठीक है जाइलम होता है जाइलम टीशू होता है और जाइलम टीशो जाइलम टिशू के बाहर ठीक है एक जाइलम टीशू जाइलम टिशू के चारों तरफ क्या है फ्लोएम सराउंडेड रहता है मतलब फ्लोएम की एक लेयर जाइलम के आउटसाइड होती है और फ्लोएम की एक लेयर क्या होती है जाइलम के इनसाइड होती है तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनता है ठीक है तो एम्फीफ्लोइक फ्लोइ स्टील में सिर्फ इतना आपको ध्यान रखना है कि जो जाइलम है ठीक है इसमें पृथ्वी प्रेजेंट रहता है और जो जाइलम है ठीक है जाइलम के चारों तरफ क्या सराउंडेड रहता है फ्लोएम सराउंडेड रहता है तो फ्लोएम की एक रिंग जाइलम के बाहर होती है और फ्लोएम की एक रिंग जाइलम के अंदर होती है ठीक है और अगर अदर ऑप्शंस को देखें हम सोलिनो स्टील तो सोलिनो स्टील में क्या होता है सोलिनो स्टील इज अ वैस्कुलर टिश्यू इन द स्टेम वेयर अ सेंट्रल सिलेंडर अराउंड अ पिथ विद वाइडली स्पेस्ड लीफ गैप इज फॉर्म्ड तो यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर बीच में क्या होता है एक सेंट पिथ होती है ठीक है पिथ होने के साथ साथ यहाँ पर क्या होता है गैप होता है लीफ बेस ठीक है लीफ बेस का यानी कि यहाँ पर एक गैप होता है और क्या होता है कि ये एक सॉलिड सिलेंडर बनता है ठीक है जाइलम जो है सराउंडेड रहता है किससे फ्लोएम से सराउंडेड रहता है और इस तरह का एक सिलेंडर बनता है तो बीच में पिथ भी रहती है और एक स्पेस रहता है लीफ बेस का ठीक है तो सोलिनो स्टील ये होता है और प्रोटोस्टील प्रोटोस्टील तो सिंपल uh, स्टील uh, है जो कि प्रिमेटिव प्लांट्स uh, में मतलब ये प्रिमेटिव अरेंजमेंट भी कह सक कह सकते हैं हम प्रोटोस्टील को और इसमें कोई पिथ नहीं होती नो पिथ प्रेजेंट और जायलम जो है फ्लोइम से सराउंडेड रहता है बस ठीक है लेकिन जो मार्सिलिया में स्टील कौन सा होता है एम्फीफ्लोइक फ्लोक्साइफोनो स्टील होता है ठीक है यानी कि फ्लुएम की एक रिंग जायलम के बाहर होती है और फ्लुएम की एक रिंग जाइलम के अंदर होती है ठीक है नेक्स्ट इज द मार्फोलॉजिकल नेचर ऑफ राइजोफोर ऑफ स्लैजी नेला इज ठीक है राइजोफोर क्या होते हैं ठीक है थीके? राइजोफोर होते हैं प्रॉप लाइक स्ट्रक्चर ठीक है जिस तरह से प्रॉप लाइक रूट्स होते हैं जैसे कि बैनिया बैनियन ट्री में क्या होता है प्रॉप लाइक रूट्स क्या होती हैं ऊपर से लटकती हैं ठीक है ठीके? कुछ जो रूट्स अंदर आ, मतलब सॉइल के नीचे होती हैं और जो रूट्स ऊपर से जैसे स्टेम से जो इस तरह से व, 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 मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं ब्रांचेज से वो होती हैं प्रॉप लाइक रूट्स जैसे कि बैनियान ट्री में होता है तो राइजोफोर भी ऐसे क्या होती है प्रॉप लाइक स्ट्रक्चर होती हैं ठीक है राइजोफोर भी क्या होती है इस तरह से प्रॉप लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जैसे कि ये ब्रांच है ठीक है इस तरह से ये ब्रांचेस हैं ठीक है तो इस तरह से क्या होती है ये ब्रांचेस ये प्रॉप लाइक स्ट्रक्चर दैट ओरिजिनेट एट अ पॉइंट ऑफ ब्रांचिंग ये पॉइंट ऑफ ब्रांचिंग से ये प्रॉप लाइक स्ट्रक्चर क्या होती है ओरिजिनेट होती हैं और जैसे ही इनको या तो सॉइल का सरफेस मिलता है या कोई हार्ड सरफेस मिलता है तो इसमें फॉर्क ब्रांचिंग इस तरह की फॉर्क ब्रांचिंग होने लगती है ठीक है डिक्टो मस्टली फॉर्क ब्रांचिंग इस तरह की होने लगती होने लगती है तो इसे हम राइजोफोर कहते हैं तो राइजोफोर क्या है प्रॉप लाइक स्ट्रक्चर है दैट ओरिजिनेट एट अ पॉइंट ऑफ ब्रांचिंग एंड वेन एंड एंड वैन दे कम इन कॉन्टेक्ट विद सॉइल और अदर हार्ड सरफेस दे शो डिक्टोमस फ्रॉक ब्रांचिंग ठीक है फॉक ब्रांचिंग ठीक है तो इनका जो नेचर है राइजोफोर का जो नेचर है वो कैसा होता है रूट लाइक होता है स्टेम लाइक होता है बोथ रूट एंड स्टेम लाइक या रिजॉर्ट लाइक तो इसका जो नेचर है वो मैं बता दूँ ऑप्शन सी इज करेक्ट ठीक है हेयर बोथ रूट एंड स्टेम लाइक इसका जो राइजोफोर का नेचर है स्लैजी में वो रूट और स्टेम दोनों जैसा होता है ठीक है सो ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्लैजी नेला शोज स्लैजी नेला में लीव्स कैसी होती हैं फर्स्ट ऑप्शन इज लार्ज एंड स्मॉल लीव्स अरेंज स्पायरली सेकेंड ऑल लीव्स लार्ज थर्ड ऑल लीव्स स्मॉल या ऑल ऑफ दीज ठीक है स्लैजी yeah, में सारी की सारी लीव्स या तो लार्ज होती हैं नहीं स्मॉल होती हैं नहीं ऑल ऑफ दीज भी नहीं हो सकता सो हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट लार्ज एंड स्मॉल लीव्स अरेज स्पाइरलीव कुछ लीव्स स्मॉल होती हैं छोटी होती हैं कुछ बड़ी होती हैं और स्पाइरली अरेज होती हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एनाटॉमी ऑफ पाइनस निडल रिफ्लेक्ट्स द फीचर्स ऑफ अ ठीक है पाइनस अडल की जो एनाटॉमी होती है उसमें किस तरह के फीचर होते हैं ठीक है या पाइनस नेडल की जो एनाटॉमी है वो किस एडप्टेशन को शो करती है सो हियर द ऑप्शंस आर फर्स्ट इज मेसोफाइट सेकंड ज़ेरोफाइट थर्ड हाइड्रोफाइट एंड फोर्थ इज एपिफाइट तो मेसोफाइट्स आर प्लांट्स दैट नीड ओनली अ मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर ठीक है मेसोफाइट्स वो प्लांट्स हो, uh, मतलब होते हैं मतलब मेसोफाइटिंग कंडीशंस में मेसोफाइट वो प्लांट्स होते हैं जिन्हें मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है ग्रो करने के लिए ठीक है नेक्स्ट इज जीरो जीरो फाइट प्लांट नीड अ लिटिल वाटर ठीक है इनको इन प्लांट्स को बिल्कुल कम पानी चाहिए होता है या ड्राई कंडीशंस में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं ये प्लांट्स ठीक है हाइड्रोफाइट प्लांट ग्रो इन और ऑन वाटर ठीक है एंड एपीफाइट प्लांट ग्रो ऑन द सरफेस ऑफ अनदर प्लांट सो पाइनस नीडल की जो एनाटॉमी है वो सूटेड है जीरोफाइटिक कंडीशन के लिए ठीक है सो हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट जीरो फाइट द एनाटोमी ऑफ पाइनस रिफ्लेक्ट द फीचर जीरो नेक्स्ट इज गर्डलिंग लीव ट्रेसिस आर द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द स्टेम ऑफ गर्डलिंग लीव ट्रेसिस जो ये फीचर है ये किस स्टेम में होता है ठीक है ऑप्शन साइकस की स्टेम में ऐसा होता है या पाइनस की एफिड्रा या नीटम की तो ये गर्डलिंग लीव ट्रेसिस क्या होता है लीव ट्रेसिस मतलब होता है कि जैसे जैसे इस तरह से स्टेम से क्या है ब्रांच ये स्टेम से क्या है लीफ इस तरह से अटैच रहती है तो वस्कुलर टिश्यूज का ऐसा जंक्शन ऐसा पोर्शन वस्कुलर टिश्यूज का जो लीफ के वस्कुलर टिश्यूज को स्टेम के वस्कुलर टिश्यूज से क्या करे कनेक्ट करे उसे हम क्या कहते हैं लीफ ट्रेस कहते हैं ठीक है लीफ ट्रेस क्या है पोर्शन है ठीक है वस्कुलर टिश्यू का एक ऐसा पोर्शन है जो लीफ वस्कुलर सिस्टम को कनेक्ट करता है स्टेम वस्कुलर सिस्टम से तो गर्डलिंग लीफ ट्रेसेस किसका करेक्टरिस्टिक फीचर है ठीक है ये जो फीचर है ये है फीचर है साइकस का ठीक है सो हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट साइकस नेक्स्ट इज पाइनस इज पाइनस इज अ ट्री श्रब हर्ब या नन ऑफ दीज सो so, पाइनस इज अ ट्री डायरेक्ट आंसर है इसका पाइनस क्या है ट्री है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन द रीसेंट इरा इज रिसेंट इरा कौन सा है फर्स्ट ऑप्शन इज सीनोजॉइक मीसोजॉइक प्रोटीरोजॉइक या आर्केजॉइक तो इसका जो सिक्वेंस uh, है वो मैं बता दूँ सबसे प्रिमेटिव इरा है आर्केजॉइक उसके बाद आर्केजॉइक uh, के बाद आता है प्रोटीरोजॉइक इरा उसके बाद आता है मीसोजॉइक और उसके बाद सीनोजॉइक तो सबसे प्रिमेटिव इरा है आर्केजॉइक लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा है रिसेंट इरा कौन सा है तो रिसेंट इरा हमारा है सीनोजॉइक सो ऑप्शन ए इज करेक्ट सीनोजॉइक इरा फॉसिल्स आर फाउंड इन फॉसिल्स हमें कहाँ से मिलते हैं ऑप्शन इग्नियस रॉक्स क्वाड्स सॉयल या सीडेंट्री रॉक्स तो इग्नियस रॉक्स होती हैं अगण्य चट्टान ठीक है जो जिसमें से ज्वालामुखी निकलती है तो वहाँ से तो हमें कोई फॉसिल्स नहीं मिलता ऑप्शन ए इज़ इनकरेक्ट क्वाड्स तो एक चमकीला पत्थर होता है उससे नहीं मिलता हमें फॉसल्स सॉइल से हमें कोई फॉसिल नहीं मिलता सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट सेडिमेंट्री रॉक्स क्योंकि सैडिमेंट्री रॉक्स क्या हैं वो या तो चट्टानों के टूटने से या मिट्टी के अपर्दन से ये पहाड़ ये पर्वत मतलब इस तरह के जो चट्टाने हैं या पहाड़ वो इस तरह से बने हैं या तो मृदा के अपर्दन या चट्टानों के टूटने से तो यहाँ हमें क्या मिलते हैं सेडिमेंट्री रॉक से हमें फॉसल्स मिलते हैं नेक्स्ट रिजर्व फूड मटीरियल एंड फंजाई इज ऑप्शन आर फर्स्ट ग्लाइकोजन सेकेंड स्टार्च थर्ड सुक्रोज एंड फोर्थ माल्टोज, तो so, इसका जो डायरेक्ट आंसर है वो है ग्लाइकोजन ठीक है फंजाई में रिजर्व फूड मटीरियल होता है ग्लाइकोजन नेक्स्ट इज विच इज रूटलेस फर्न इसमें से कौन सा रूटलेस फर्न है जिसमें रूट्स नहीं होती ठीक है किस फर्न में रूट नहीं होती ऑप्शन आर टेरस सेकेंड ड्राइफ टेरस थर्ड सेल्वीनिया एंड फोर्थ इज एडियन सो करेक्ट ऑप्शन इज़ सी सेल्विनिया ठीक है सेल्विनिया में रूट्स नहीं होती और टेरिस ड्राइव टेरिस और एडियनटम में रूट्स होती हैं नेक्स्ट इज विच इज कॉमन बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनोरॉबिक रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन और एनोरॉबिक रेस्पिरेशन में क्या चीज़ सेम है ठीक है सिमिलर सबस्ट्रेट यस सिमिलर सबस्ट्रेट होता है रेस्पिरेशन एनोरॉबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस और पायरोविक एसिड देखो जो ये सिमिलर सब्सट्रेट और पायरविक एसिड की बात है ये एसिड और सिमिलर सब्सट्रेट कहाँ आता है ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में आता है क्योंकि सबसे फर्स्ट जो स्टेप होता है वो ग्लाइकोलाइसिस का होता है ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज जो सब्सट्रेट है वही एरोबिक में होता है वही एनारोबिक में होता है और जो लास्ट प्रोडक्ट बनता है वो पायरोविक एसिड बनता है एरोबिक में भी बनता है एनारोबिक में भी बनता है ठीक है सो ऑप्शन बी इज करेक्ट क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ही ये दोनों ये दोनों चीजें आती हैं ठीक है सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ग्लाइकोलाइसिस ये कॉमन पाथ है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का कॉमन पाथ है ठीक है देन नेक्स्ट इज टर्पेंटाइन ऑयल इज ऑप्टेंड फ्रॉम टर्पेंटाइन ऑयल है जो हमें कहाँ से मिलता है कोल से मिलता है नहीं मिलता कोल से नहीं मिलता कोल से हमें टर्पेंटाइन ऑयल नहीं मिलता पेट्रोलियम से नहीं मिलता सिडार वुड से नहीं मिलता यस yes, पाइनस से टर्पेंटाइन ऑयल मिलता है ठीक है नेक्स्ट विच एलगी वॉज यूज बाय कैल्विन एंड हेज कोवर्कर्स इन देअर एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटो सिंथेसिस कैलविन और उनके साथियों ने अपने फोटोसिंथिस का जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके लिए कौन से एलगी का uh, मतलब यूज़ किया था फर्स्ट इज क्लैमिडोमिनास सेकेंड क्लोरिला थर्ड इज कारा एंड फोर्थ इज वॉल्वेक सो करेक्ट ऑप्शन इज बी क्लोरेला क्लोरिला जो एल्गा है उसका यूज़ किया था कैलविन एंड कोवर्कर्स ने फोटोसिंथेसिस के एक्सपेरिमेंट में ठीक है ये कुछ फैक्ट्स आपको ध्यान ही रखने पड़ेंगे ठीक है इसे आप याद ही रखना पड़ेगा आपको क्योंकि कुछ चीज़ होती है समझने की जिसे आप समझ सकते हैं और कुछ चीज़ें होती हैं जो फैक्ट्स होते हैं उनको आपको लर्न ही रखना पड़ता है ठीक है तो इसे आप ध्यान रखें ठीक है अच्छे से मेमोराइज़ कर लें ठीक है नेक्स्ट इज विच इज़ एन ऑयल सीड क्रॉप इसमें से ऑयल सीड क्रॉप कौन सा है ठीक है फर्स्ट इज़ मैरीगोल्ड सेकेंड क्राइसेंथीम सी रोज एंड डी सनफ्लावर तो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज सनफ्लावर ठीक है इसकी जो इस सनफ्लावर uh, क्या है एक ऑयल सीड क्रॉप है जिससे आप ऑयल अब्सट्रैक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट इज द फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन वॉज फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट जो बनाया था जिसे आप कमर्शियली कमर्शियल प्रोडक्शन मतलब कमर्शियल द फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन वॉज ठीक है फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट कौन सा बनाया था जिसे आप कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया गया था या कमर्शियल प्रोडक्शन किया गया था उसका ठीक है एक व्यापारिक लेवल पे उसका आ, उसको मतलब उसको सेल किया गया था तो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी अगर हम ऑप्शन देखें तो कॉटन टोमेटो टोबैको टोबैको नहीं है राइस नहीं है तो ऑप्शन बी इज करेक्ट टोमेटो नेक्स्ट इज रेयर हाइब्रिड प्लांट्स कैन बी सेव्ड बाय जो रेयर हाइब्रिड प्लांट्स हैं ठीक है थीके? जो प्लांट्स uh, की प्रजातियां कम हैं ठीक है थीके? कैन बी सेव्ड बाय उन्हें हम कैसे सेव कर सकते हैं पोलन कल्चर से एम्ब्रॉय कल्चर से प्रोटोप्लास्ट कल्चर से या नन ऑफ दिस करेक्ट ऑप्शन एज सी प्रोटोप्लास्ट कल्चर से कर सकते हैं हम उसे सेव नेक्स्ट विच इज़ नॉट अ कैटेगरी इसमें से कौन सा कैटेगरी नहीं है ठीक है तो हम देखते हैं इकोटाइप ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट इज इकोटाइप सेकेंड स्पीशीज थर्ड जीनस एंड फोर्थ इज़ ऑर्डर तो स्पेशियस जीनस ऑर्डर ये तो कैटेगरी है इकोटाइप कोई कैटेगरी नहीं है ठीक है इकोटाइप तो एनवायरमेंट की एक टर्म है ठीक है सो हेयर ऑप्शन ए इज़ करेक्ट इकोटाइप ठीक है सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टूडे अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें थैंक यू एंड हैव अ गुड डे